हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम राहुल मित्तल, बायबॉक्सर ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी, एक नाइट की वीडियो डाली थी, जिसमें लोगों ने कहा था सर अपर डिपर क्या होता है, हाई बीम, सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी लाइट आँखों पर पड़ती है, उससे कैसे बचें? सिंगल रोड पर अक्सर ये प्रॉब्लम आती है अक्सर, तो उन लाइटों से हम कैसे बचेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है, और कैसे पता चलेगा कि सामने से जो गाड़ी आ रही कौन सी गाड़ी है, कैसे अंदाज़ा? कई बार अक्सर होता है कि एक ही लाइट जल रही होती है, और कार होती है वो फोर व्हीलर होती है, हमारे माइंड में होता है कि नहीं वो टू व्हीलर है, तो ये चीज़ हमें कैसे जजमेंट होगी? तो फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पर वो आप तक पहुँच सके। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 14 डेज है मेरे ख्याल। अच्छा, 13 डेज है जो भी है। तो अभी तक आपने डे में चलाया, नाइट फर्स्ट टाइम चला रहे? पहली बार। क्या लग रहा है डे से और नाइट का? नहीं, लग तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन ये जो लाइटें का पहली उसका अंदाजा नहीं लग पाता। आगे से राइट लेना है, सिग्नल दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि नाइट का क्या रहता है। अभी यहाँ पे जैसे चौराहा आ रहा है, तो हमें दूर से ध्यान देना है कि हमारी गाड़ी और आगे पीछे ऐसे गाड़ियाँ आ रही, जैसे जाने दो, धीरे धीरे निकलने दो, हॉर्न मारिए और धीरे धीरे जाने दो। हाँ, घबराना नहीं, एकदम प्यार से जाने दो। अब जैसे वो लाइट, बैक लाइट उसकी जल रही है, जाने दो, जाओ रेस करो, हल्का एक्सीलेटर लो, घबराओ मत, जाओ रेस करो, जाने दो। वेरी गुड, राइट काटो, स्टीयरिंग राइट काटो, राइट। अब यहाँ पे देखो, एक छोटी सी गलती करी आपने, सीधी करो फटाफट, आपने एक्सीलेटर दबा दिया, पैनिक हो के, घबरा के, डर के, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। चलिए स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम चला रहे नाइट में, इसलिए दिक्कतें हो रही है। तो दोस्तों, जैसे सिंगल रोड पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं हमें पता नहीं चल पाता है कि ये गाड़ी कौन सी है। अक्सर हम लोग कई बार देखते हैं कि एक लाइट जल रही होती, जब वो गाड़ी पास में आती तो पता चलता है वो फोर व्हीलर है। तो जो अपर डिपर होता है, जो सिंगल रोड पे हम लोग यूज़ करते हैं, हाई और बीम, हाईवे पे हमें हाई लाइट इस्तेमाल करनी होती है, और सिटी के अंदर हमेशा लो बीम पे चलना चाहिए। लो बीम वो लाइट होती है जो नीचे आपकी गाड़ी से और 50 मीटर की दूरी तक आपको रास्ता दिखाती है क्लियर। हाई बीम वो होती है जो आपकी गाड़ी से ऊपर लाइट जाती है, सामने से आने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी आँखों पर लाइट लगती है। हाई बीम जो होती है वो सीधा जाके फेस पर लाइट लगती है। तो ये सिटी के अंदर हमेशा लो बीम रखना चाहिए, ताकि सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको दिक्कतें ना हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हाई बीम और लो बीम क्या होता है, यहाँ से लेफ़्ट लेना है, और हम हाई पे रखते हैं तो सामने से बाइक, कार जो भी आती है उनको हमारी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी आँखों में लाइट लगती है। अक्सर जिनकी ग्लास लगा होता है, जिनके चश्मा लगा होता है, उनको दिक्कत और ज़्यादा होती है नाइट विज़न में। तो दोस्तों, हमेशा सिटी के अंदर लो बीम रखें, और हाईवे पे हाई बीम का इस्तेमाल करें, और ज़्यादातर डिपर का इस्तेमाल आप लोग करें, जिसकी वजह से दिक्कतें ना आए। सिंगल रोड पे क्या होता है कि जब आप डिपर का इस्तेमाल करेंगे, हॉर्न का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, डिपर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सामने से आने वाली गाड़ियाँ अलर्ट हो जाती हैं, हॉर्न से ज़्यादा डिपर का यूज़ होता है। सिंगल रोड की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी डबल रोड पर तो जाने का अलग है, आने का अलग है, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। सिंगल रोड पे आमने सामने गाड़ियाँ आती तो आँखों पे लाइट ज़्यादा पड़ती है आपके, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है। बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो कुछ आजकल जो गाड़ियों में LED आ रही है, जिसकी वजह से हमको कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि सामने से गाड़ी आई, कुछ सेकंड के लिए एकदम ऐसा लगता है कि एकदम ब्लैंक हो गया है। तो आप अपने डिपर को इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी के, जो हाई और बीम होता है, जिससे कि उसकी आँखों पर भी लाइट चमकेगी। हाँ, अगर उसने हाई कर रखा है लाइट, तो आप अपर डिपर करेंगे तो वो तुरंत लो बीम कर लेगा, क्योंकि उसकी आंखों में भी लाइट लगेगी, तो उसको समझ में आ जाता है। जब भी आपको लगे कि सामने वाले की हाई लाइट है, आप उसको एक दो बार अपर डिपर मारिए, डिपर मारिए 2-3 बार, वो अपने आप लाइट नीचे कर लेगा। और अगर वो नहीं करता है तो आप भी हाई बीम कर दो, तो उसकी आंखों पे लाइट लगेगी, तो वो अपने आप वो गाड़ी साइड कर लेगा, यहाँ से लेफ्ट लेना है। इसका सोल्यूशन एक यही है, और थोड़ा सा दूर से जजमेंट आपको लेना पड़ेगा कि सामने से गाड़ी कौन सी। गाड़ियों की लाइट से पता चल जाता है कि छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी जो इनोवा फॉर्चुनर होती है, उसकी लाइट कम से कम नीचे रोड से 5 फीट ऊपर होती है, और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे सेंट्रो हो गई, होंडा सिटी हो गई, इन सब गाड़ियों की जो लाइट होती है वो रोड से 3 फीट के आसपास होती है। तो जब आप देखेंगे तो लाइट के पावर से भी अंदाज़ा हो जाता है, और उसकी ऊंचाई से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि गाड़ी कौन सी है। और ये चीज़ जब आप धीरे धीरे चलाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको सेट हो जाता है कि गाड़ी की लाइट कौन सी है। छोटी गाड़ियों की लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बड़ी गाड़ियों की जो लाइट होती है थोड़ी, उसमें हैलोजन होता है तो थोड़ा दूर तक चमकती है लाइट, फोकस थोड़ा उसका हाई होता है, और उसकी जो
लेंथ होती है लाइट की वो थोड़ी ऊंचाई पे होती है, तो उस तरीके से भी आप जजमेंट कर सकते हैं। और अपर डिपर का हमेशा इस्तेमाल करें। नाइट में दो तीन चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान देना है कि सिग्नल टर्निंग से 100 मीटर पहले, हॉर्न थोड़ा पहले अलर्ट करना है, क्योंकि नाइट में विज़न थोड़ा कम रहता है। जैसे डे में बारीक से बारीक चीज़ आपको नज़र में आती है, नाइट में वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए नाइट में थोड़ा चलाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और सेफ रहेंगे, गाड़ी कंट्रोल में चलाएंगे, ओवर स्पीड नहीं रखेंगे, तो कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी बहुत आसानी से चलेगी, सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहोगे और बाकी लोग भी सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइट, बाकी मैंने कई सारी नाइट की वीडियो डाल रखी हैं, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। अपर डिपर लाइट वगैरह का सारा मैंने बता रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।